Drop it. सिहौली के दो सिहौली दो लखनऊ जंक्शन का एक टिकट घर से हमने टिकट ले लिया है और ये रहा टिकट और सुबह की गाड़ी है। लगभग अभी बज रहा है 6:05 और 6:30 यहाँ से गाड़ी जाएगी। गाड़ी जाती है लगभग 6:30 की टाइमिंग है और पहली गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। अभी बैक कैमरे से आप लोगों को दिखा रहे हैं, देख सकते हैं ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। और बाकी से जाने का यहाँ से डिपार्चर का टाइम जो है 6:30 है और ये पहली गाड़ी सीतापुर से जाती है लखनऊ जंक्शन की तरफ। और आज हम आप लोगों को दिखाएंगे सीतापुर जंक्शन से लखनऊ जंक्शन तक का रूट। से आप लोगों को हमारे चैनल पर ट्रेन से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज की पहली वीडियो हम बना रहे हैं, आज 1 जून 2019 है और आज की हमारी पहली यात्रा जो है ट्रेन से हमारे चैनल पर जो वीडियोस डाली जा रही है वो पहली वीडियो यह है सीतापुर से लखनऊ जंक्शन तक। और यहाँ का आप लोगों को सीन तो दिखा ही चुके हैं, देख सकते हैं प्लेटफॉर्म किस प्रकार बना है और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। और बाकी ये प्लेटफॉर्म है, अभी ऊपर ही हैं हम पुल के ऊपर। पुराना रेलवे स्टेशन देख सकते हैं ये है, पहले छोटी लाइन हुआ करता था अब बड़ी लाइन हो गया है। और इसी के साइड में बगल में ये पहले सीतापुर कैंट हुआ करता था, अब सीतापुर जंक्शन के नाम से जाना जाता है। पहले प्लेटफॉर्म बड़ी लाइन पर 2 प्लेटफॉर्म थे, अब यहाँ पर हो गए हैं टोटल छोटी और बड़ी मिला के पूरा 1 कर दिया गया तो टोटल हो गए हैं 5 प्लेटफॉर्म। और लास्ट वाला इस साइड में है और ये 4 नंबर है, इधर देख सकते हैं ये 3 नंबर पर गाड़ी खड़ी है, 2 प्लेटफॉर्म उस साइड में है, ये पुराना कैंट हुआ करता था। अभी हम गाड़ी में पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं कितनी लंबी गाड़ी है और देखते हैं पहला अनुभव है। और सीतापुर से जो पहले छोटी लाइन चलती थी अभी है ये बड़ी लाइन बन गई है और यहाँ से चलते हैं लखनऊ की तरफ। पहली बार यात्रा करते हैं ट्रेन से और इसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, पूरा एंजॉय करिएगा, आप लोगों को दिखाएंगे। और अभी जो पहली गाड़ी है कई बार बता चुके हैं और दिखाते हैं, अभी भीड़ ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ सीतापुर से ही लखनऊ की तरफ जाते हैं तो पैसेंजर कम है। जब पूरा रूट चलेगा लखनऊ से सीतापुर, सीतापुर से आगे हरगाँव, हरगाँव से आगे चलेगी लखीमपुर तो भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी। अभी सीतापुर से ही रूट चल रहा है लखनऊ की तरफ तो इसलिए भीड़ कम है यहाँ पर। और बाकी आप लोगों को दिखाएंगे, अभी आते हैं डिब्बे के अंदर, देखते हैं कितनी भीड़ है, क्या क्या है। और अभी भीड़ कुछ नहीं है, देख सकते हैं सब खाली पड़ा हुआ है। सीतापुर से ऑलमोस्ट ही गाड़ी कम भरी होती है लेकिन जैसे जैसे लखनऊ की तरफ बढ़ती जाती है गाड़ी वैसे वैसे उसमें पैसेंजर बढ़ते जाते हैं। और अटरिया तक और इटौंजा में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और इटौंजा में काफ़ी उतर जाते हैं और महबुल्लापुर में पूरी गाड़ी लगभग खाली हो जाती है और तब आसानी से आप लोग चारबाग स्टेशन तक जा सकते हैं। सीतापुर स्टेशन पर ये जो देख सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है और यहाँ नीम सर का चक्र तीर्थ भी बना है इस पर, बहुत ही अच्छा लगता है। और बाकी प्लेटफॉर्म देख सकते हैं इधर साइड में। और अभी हम इंजन से दूसरे डिब्बे में बैठे हैं और अभी बस गाड़ी स्टार्ट होने वाली है। आगे का सीन भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आप लोगों को दिखाएंगे कि बीच में जितने भी हाल्ट और जंक्शन पड़ते हैं लखनऊ जंक्शन तक बीच में सारे सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। तो इसलिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और देखते रहिएगा वीडियो को और बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी वीडियो के माध्यम से। अनाउंसमेंट हो चुका है, गाड़ी बस चलने वाली है और 6:24 कम्प्लीट हो चुके हैं और बस गाड़ी छूटने वाली है 6:30 पर। और अनाउंसमेंट होने के बाद अब रेडी है गाड़ी।
गाड़ी छूट चुकी है, यहाँ से निकल चुकी है, देख सकते हैं, और सभी बैठ चुके हैं। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. सीतापुर से जब गाड़ी छूटती है तो आगे सबसे पहले एक स्टेशन पड़ेगा, वो खैराबाद अवध स्टेशन पड़ेगा। तो इसका नाम पड़ गया है खैराबाद अवध। खैराबाद स्टेशन है और इसका भी सीन देखने को मिलेगा। और ऐसे ही आप लोगों को जितने भी लखनऊ जंक्शन तक पड़ेंगे जितने भी रेलवे स्टेशन, सभी स्टेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और सभी सीरियल में दिखाएंगे आप लोगों को। तो इसलिए वीडियो जो है बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा, सारे स्टेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ऐशबाग और लखनऊ सिटी जितने भी पड़ेंगे वो सबको देखने पड़े मिलेंगे। अब यहाँ से भीड़ होना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर भीड़ है, लेकिन यहाँ सीतापुर में इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन खैराबाद स्टेशन पर भीड़ थी। यहाँ पर पैसेंजर हैं। अब यहाँ से आगे जितने भी बढ़ती जाएगी गाड़ी उतने इसमें पैसेंजर बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। सुनने में मिला था कि हमने पूछा था कि इसमें भीड़ क्यों नहीं है, तो बोलने लगे यहाँ से गाड़ी कम ही जाती है भर के, और आगे जब पहुँचने वाले कमलापुर से भीड़ स्टार्ट हो जाती है बहुत ही ज़्यादा, फिर कमलापुर अटरिया इटौंजा में भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, और मोहिबुल्लापुर में पूरी ट्रेन लगभग खाली हो जाती है। खैराबाद स्टेशन के बाद में बरई जलालपुर छोटा सा हाल्ट आता है, देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे ही छोटा सा प्लेटफॉर्म बना है, और यहाँ पे ज़्यादा नहीं 15-20 ही पैसेंजर थे। और आगे भी का सीन आप लोग देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर आम लगे हैं, बहुत ही अच्छी यहाँ पर बाग है और बहुत ही ज़्यादा आम फरा हुआ है। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हम सब कुछ दिखाते चलेंगे, जो भी हर एक स्टेशन के मध्य में सीन पड़ेगा वो दिखाएंगे। अगला पड़ जाता है कमलापुर, तो कमलापुर का प्लेटफॉर्म देखिए आप लोग, और यहाँ का स्टेशन कैसा है, लगभग स्टेशन एक जैसे ही सभी हैं, और भीड़ आप लोगों को दिखाएंगे कमलापुर स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अभी देखना यहाँ पर इतना लंबा प्लेटफॉर्म, यहाँ पर तो कमी खड़े हैं, और मेन स्टेशन के पास में जो छावनी बनी है वहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, और इतनी सीतापुर में नहीं। अब जैसे जैसे लखनऊ की तरफ गाड़ी बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पर देख रहे हैं भीड़ भी बढ़ रही है। तो अभी हम खड़े हैं आराम से, अभी हम खड़े नहीं हो पाएंगे क्योंकि बताया पहले से गया था, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी। अब देख सकते हैं यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा, खैराबाद से दो गुना यहाँ पर जनसंख्या हो गई है, तो ये सब संख्या इसी में भरी जाएगी, आगे भी मिलेंगे, फिर उसके आगे भी मिलेंगे, तो देखते जाएंगे लास्ट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी। वो भी सीन आप लोगों को दिखाएंगे, पैसेंजर गाड़ी का हाल जो भी होता है पूरा सब कुछ दिखाएंगे। अपने पीछे देखा था जितनी भीड़ थी पूरी खाली हो चुकी है, पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो गया है, सभी लोग इसी में बैठ गए। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ थी पीछे, और जितने भी लोग देख रहे थे सभी इसमें बैठ गए, और गाड़ी अभी चल चुकी है फिर से लखनऊ की तरफ। ये सुरेशा हाल्ट पड़ा, तो यहाँ पर भी छोटा सा एक बोर्ड लगा हुआ है।
अगला रेलवे स्टेशन सिधौली है। सिधौली बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, क्योंकि यहाँ पर चित्र भी बने हैं रेलवे स्टेशन पर, बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ पर भीड़ देखेंगे सबसे ज़्यादा है, और देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, और प्लेटफॉर्म बहुत ही सुंदर लगता है, और भीड़ देख सकते हैं पूरे डिब्बे लगभग भर गए हैं, और बैठने के लिए तो जगह नहीं बची। अब जितने भी आप आगे बैठेंगे वो सब खड़े खड़े जाएंगे, और इसके आगे अटरिया पड़ता है। और सिधौली से जब चलती है तो मनवा स्टेशन हमसे छूट गया है। ये अटरिया स्टेशन है, आप लोग ध्यान से देखा करें, हर एक स्टेशन पे घड़ी लगी होती है, हम टाइम भी साथ में दिखाते चलते हैं, तो आप लोग बारीकी से देखें कितने बजे गाड़ी कहाँ पर पहुँच रही है। अगला स्टेशन है बक्सी का तालाब। गाड़ी यहाँ पर पहुँची थी 8:13 पर, और आप लोग साथ में देख लिया करें, हर एक स्टेशन पर हम दिखाते हैं आप लोगों को, टाइम भी साथ में दिखाते हैं, इसलिए हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं सब कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। बक्सी का तालाब पे देख सकते हैं 8:13 हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से देखा करें, देख सकते हैं इस गाड़ी में बैठने के लिए जगह नहीं बची है, और जो लोग सीट नहीं पा रहे हैं वो लोग खड़े हैं, और बैठने के लिए तो बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उतर रहे हैं, बैठने वाले कम होते गाड़ी में, उतरने वाले ज़्यादा होते हैं इस समय पर। अगला स्टेशन जो पड़ता है यहाँ पर मोहिबुल्लापुर, यहाँ पर भी उतरने वाले ज़्यादा थे और चढ़ने वाले जो हैं कम थे, और स्टेशन में बहुत अच्छे लगे, क्योंकि बहुत ही राजधानी के अंतर्गत हैं ये, तो साफ़ सफाई तो बहुत अच्छी लगी, और बाहर का सीन भी देख सकते हैं। अगला स्टेशन है डालीगंज, तो डालीगंज जो है बहुत ही अच्छा ये भी बना था, सुंदर, और लेकिन यहाँ पर पैसेंजर जो हैं सबसे ज़्यादा उतरे थे, पैसेंजर जो हैं सबसे ज़्यादा, अभी सीन दिखाएंगे आप लोगों को, देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा यहीं पर लग रहा था कि 90% ट्रेन खाली हो गई यहीं पर, बचे खुचे जो थे वो आगे जाके उतर जाते हैं यहाँ डालीगंज में सबसे ज़्यादा, ये डालीगंज जंक्शन है और सबसे ज़्यादा यहीं पर उतरे थे। लखनऊ सिटी स्टेशन, और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, और जो प्लेटफॉर्म बने हैं उस साइड में और इस साइड में भी हैं, तो बीच में पटरी है जो कर्व मुड़ी हुई है, ट्रेन मुड़ती हुई इधर गुजरती है, तो सीन बहुत ही सुंदर लगता है, उसके बाद ये स्ट्रेट हो जाती है लाइन, जहाँ पर गाड़ी रुकती है वहाँ का भी सीन दिखाते हैं आप लोगों को, और इधर कुछ भी निर्माण कार्य चल भी रहा है, और प्लेटफॉर्म जो है काफ़ी लंबा है,
और लंबी लंबी ट्रेनें आसानी से यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सीन कितना अच्छा और प्यारा लग रहा है, और जो बैठने के लिए सीट्स बनी होती हैं रेड कलर से हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं। और ये रहा मेन रूप से इधर का छावनी बनी हुई, और घड़ी है टाइम देख सकते हैं, और यहाँ से एक ट्रेन जाती हुई, जब एक ट्रेन खड़ी होती है दूसरी ट्रेन से क्रॉस कर रही होती है तो सीन बहुत ही अच्छा लगता है। देख सकते हैं सीन बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पर बज गया है 8:57 सिटी स्टेशन, जो कि सीतापुर से 6:30 पर गाड़ी चली थी और ये पहुँची है सिटी स्टेशन, लखनऊ सिटी स्टेशन 8:57 पर। ऐशबाग रेलवे स्टेशन है और हमें जाना है चारबाग रेलवे स्टेशन। हमारे साथ आपका नाम क्या है? हमारा नाम है जमालुद्दीन। जमालुद्दीन नाम है, ये वहीं चारबाग रेलवे स्टेशन पे काम करते हैं, तो कह रहे थे कि वहीं हम भी जाएंगे, तो हमने कहा चलो अच्छा के साथ निकलते हैं। और ये जो हमारा स्टाफ यहाँ भी है। अच्छा, इनका स्टाफ ऐशबाग में भी है। आप डेली जाते होंगे इधर चारबाग? जी डॉन डेली करते हैं। अच्छा, अभी 4 साल से हम यहाँ पर किराए पे रह रहे थे ऐशबाग में आपके। अच्छा, भैया में और अब हमारा साधन चालू हो गया है तो हम फिर से आप डाउन करने लगे। अच्छा, तो कितने घंटे की ड्यूटी होती है यहाँ पर? ड्यूटी अभी है 8 घंटे की है, मगर 10 घंटे की ड्यूटी ले रहे हैं। ये स्टेशन है ऐशबाग रेलवे स्टेशन, ये काफ़ी लंबा ये भी है और बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि बीच में यहाँ पे देख सकते हैं पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ के नीचे सीट्स बनी हुई हैं बैठने के लिए, तो छाया मिल जाती है दोनों साइड में। ट्रेन का प्लेटफॉर्म बने हुए हैं दोनों साइड में, जब ट्रेन होती हैं तो बहुत ही प्यारा नज़ारा मिलेगा हमें, और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ जंक्शन, और आप लोगों को हम लखनऊ जंक्शन का भी अच्छे से सीन दिखाएंगे कैसा बना है, और प्लेटफॉर्म किस प्रकार से हैं और दुकानें वकानें सबको दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। और अच्छे से बने रहिए, अभी दिखाने के लिए चारबाग बाहर का भी सीन दिखाते हैं, बाहर से कैसा लुक दिखाई पड़ता है इस प्लेटफॉर्म का।